जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। WWE वर्ल्ड चैंपियन द ग्रेट खली ने भी किसान आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया है। बी पॉजिटिव न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को सरकार को मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान कोई आतंकवादी नहीं है। खली ने चेतावनी दी कि यदि सरकार दो दिन में किसानों की समस्या का हल नहीं करती तो वो खुद दिल्ली किसानों के साथ धरने में शामिल होंगे। बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका स्वागत है और इस समय हमारे साथ है द ग्रेट खली, WWE चैंपियन सुपरस्टार द ग्रेट खली। लेकिन सबसे पहले धरती पुत्र उनका कहना है, किसान आंदोलन को लेकर द ग्रेट खली क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि किसान आंदोलन के बारे में राय क्या है। खली साहब, बी पॉजिटिव पर आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, ठंड है, किसान परेशानी में जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप क्या क्या कहना है इस बारे में? मैं चाहता हूँ कि सब लोग, चाहे किसान है, मजदूर है, आम आदमी है, कोई भी है, सबको सपोर्ट करनी चाहिए किसान की, क्योंकि किसान अन्नदाता है, सबका पेट भरता है। और वो किसान ये नहीं देखता कि कौन से धर्म का, कौन से जात का है, वो खेतों पे मेहनत करता है। और सारे जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक है, उनका पेट भरता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो किसान की मांग है वो पूरी होनी चाहिए, सरकार को माननी चाहिए। और अगर नहीं मानते हैं तो जितने भी हमारे हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर है, चाहे बिजनेसमैन है, सब लोगों को आगे आना चाहिए और किसान की सपोर्ट करनी चाहिए। हम किसी को भी देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, हम किसान का बेटा है। अगर आप एक भी आप नेता देखते हैं बोलते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, तो किसान का बेटा है तो तेरे बेटे को ज़्यादा पता है, बाप को कम पता है क्या? जिसने बाप पाल पोष के उसको बड़ा किया है, तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा पता तो बाप को है ना। मतलब जो किसान का अगर बेटा बोलता है, अगर कोई मतलब एक कोई अधिकारी है वो भी बोलता मैं किसान का बेटा हूँ, और कोई नेता है वो भी बोलता मैं किसान का बेटा हूँ, तो ऐसा क्या हो गया कि भी जब वो किसान बोल रहा है कि मेरे फायदे के लिए नहीं है, मेरे लिए नुकसानदायक है ये कानून, तो ये वो बेवकूफ है क्या? वो समझदार नहीं है? बेटा ज़्यादा समझदार हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि जो किसान हैं उनकी बात सुननी चाहिए और उनके जो कानून बनाया उसको वापस लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि सरकार की ओर बढ़ाई होएंगी और जो किसान हैं उनकी हक का होना चाहिए, उनको बैठा के जो वो चाहते हैं उस हिसाब से करना चाहिए। हरियाणा से, पंजाब से किसान जा रहे हैं, पूरे देश से दिल्ली किसान आने लगे हैं, आप भी किसान हैं, क्या आपकी योजना भी है दिल्ली जाकर सपोर्ट करने की? मॉरल सपोर्ट अभी बयान दे रहे हैं आप सपोर्टिव, लेकिन क्या आप जा सकते हैं दिल्ली? देखो, मैं दिल्ली दो दिन के बाद दिल्ली जाऊँगा और किसान की सपोर्ट करूँगा। और अगर आज या कल मानते हैं, अगर नहीं मानते तो मैं दिल्ली जा सकता हूँ कभी भी। फिर मुद्दा है कि किसानों के इस आंदोलन में पॉलिटिशियंस भी आ गए हैं, राजनीति के भी आ गए हैं, तो राजनीति भी चमकाने लग गए, तो क्या कहेंगे किसान? देखो, सब लोग किसान हैं, वो सब लोग किसान हैं, जो बोलते हैं ना कि हम किसान के बेटे हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पॉलिटिशियन बीच में आ रहा है तो अच्छी बात है, सपोर्ट करनी चाहिए, सबको सपोर्ट करनी चाहिए, जो किसान है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे मजदूर है, चाहे आम आदमी है, कोई सबको सपोर्ट करनी चाहिए। और मुद्दा एक ही होना चाहिए कि भाई इसको जो एक जो कानून लाया है उसको एक वापस करना चाहिए और एक इज्जत मान से, ताकि किसान वापस अपने घर आए। देखो, माता देखो, बहनें देखो, कितनी सारी रोड पे बजरंग देखो रोटी बना रहे हैं और रोड पे है,
ठंड लगती है 10 मिनट, आप आजकल बाहर बैठ के देखो आप, और उनके पास कोई मतलब इतना कोहरा पड़ता है, और ऊपर से जो पानी की बरसात करते बछार करते हैं, आंसू गोले फेंकते हैं, तो बहुत मतलब गलत बात है ये। अगर आंसू गोले फेंकने आप बॉर्डर पे फेंको, अपने किसानों पे मत फेंको। ऊपर से एक चीज़ और बताते, ये तो खालिस्तानी है, ये तो पॉलिटिकल है, ये तो ऐसा है ऐसा, ये फालतू के ड्रामे नहीं करने चाहिए, और किसान की बात सुननी चाहिए। किसान को मांग को पूरी करके उनको इज्जत के साथ उनको वापस भेजने चाहिए, ताकि तभी हमारा देश तरक्की करेगा। इस तरह तरक्की थोड़ी होनी है मतलब देश की कि भाई हर मतलब दूसरे महीने पे कोई ना कोई मुद्दा पकड़ के मतलब कोई परेशान होता है, मतलब है ना, आम आदमी परेशान होता है, किस तरह मतलब हमारा देश तरक्की करेगा। फिर तो हवा ही पे रहना है, फिर तो हवा पे हो जाएगा कि हमारा विश्व भारत बन गया, विश्व भारत बन गया। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, किसान रोड पे आए हुए हैं। हम बोलते हैं कि विश्व भारत नहीं, इस तरह होएगा, ये तो बहुत ही एक पीछे जा रहा हूँ हमारा देश। जय किसान जय जवान, जय जवान जय किसान, बस हमारा ये नारा है। किसान की और एक जवान की इज्जत करनी चाहिए, तभी वो दिल से खेतों पे काम कर सकता है किसान। अगर एक अफसर की जवान की इज्जत मिलेगी और इज्जत देंगे, तभी वो एक दिल से फाइट कर पाएगा, नहीं तो फॉर्मेलिटी करके मतलब कंधे पे बंदूक लगा के लटका के मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक वो भी मतलब दिल से फाइट नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से द ग्रेट खली का साफ कहना है कि किसान को मान सम्मान मिलना चाहिए, किसान को उसका हक मिलना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि किसान राजनीतिज्ञ नहीं है, किसान अपना हक मांग रहा है और धरती पुत्र किसान को हक सरकार दे। द ग्रेट खली का साफ कहना है कि यदि 2 दिन के अंदर सरकार नहीं मानती तो वो 2 दिन बाद खुद दिल्ली जाएंगे, किसानों के साथ मोर्चे पर बैठेंगे और सरकार को किसानों की मांग माननी ही होगी। ये पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।